नमस्कार दोस्तों, आपने एसीटाम इनोफेन का तो नाम सुना ही होगा, जिसका पैरासीटामोल एक सॉल्ट आता है। दोस्तों, पैरासीटामोल के नाम से एक टेबलेट आती है जिसका केमिकल कंपाउंड आता है एसीटोमिनोफेन। वो अपनी बॉडी में क्या काम करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिंस का जो सीक्रेशन होता है उनको इनहिबिट कर देता है, मतलब उनका सीक्रेशन डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही थी जिसकी वजह से अपने को पेन हो रहा था, दर्द वगैरह कुछ भी हो रहा था, तो वो रिएक्शन तो अंदर होगी लेकिन अपने को क्या है कि पेन फील नहीं होगा। जैसे अपने हेडेक हो गया, ठीक है, मसल एक हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द हो गया, ऐसी ऐसी कंडीशन में अपन पैरासीटामोल का काम में लेते हैं जिससे अपने को पेन रिलीव मिल सके। ठीक है, तो इन कंडीशन में अपन पैरासीटामोल को काम में लेते हैं जिससे दर्द ठीक हो सके। दूसरी कंडीशन एक, जैसे अपनी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से फीवर हो जाता है, जिसको बुखार बुखार जिसको बोलते हैं अपन, वो बुखार आ जाता है। ठीक है, तो उस बुखार को ठीक करने के लिए भी अपन एसिटामिनोफेन का काम में ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज जरूर याद रखना, अगर उस टेबलेट को खाने पर आपको खाते जैसे एलर्जिक रिएक्शन आ रही है, जैसे रेडनेस हो रहा है पूरी बॉडी पे, इचिंग वगैरह हो रही है, खुजली चल रही है, या फिर आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप वो टेबलेट कभी ना खाएं जब तक डॉक्टर का परामर्श ना कर लें। हो सकता है उस टेबलेट से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो और वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कॉज कर सकती है। थैंक यू।